आप जो है रुपए की ब्रेलिंग देख सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है जो मर्चेंट QR कोड है उनको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना पिन इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं मेरा HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड जो कि 1 रुपए क्रेडिट कार्ड है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। कॉर्नर में आप जो है रुपए की ब्रांडिंग देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जिसके अंदर मैं जो UPI पेमेंट्स के लिए ऐप यूज करता हूँ वो है PayZap ऐप जो कि HDFC बैंक की तरफ से आता है। इस एप्लीकेशन को यूज करने पर काफी अच्छे बेनिफिट मुझे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर PayZap ऐप को यूज करते हुए जो मर्चेंट QR कोड है उनको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप कितने अमाउंट तक बिना किसी चार्ज के अमाउंट को जो है ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप जो अपने क्रेडिट कार्ड UPI पेमेंट किसी UPI ऐप के थ्रू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर PayZap एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर आपको जो है ऑप्शन मिलते हैं पे शॉप का और उसके नीचे ऑप्शन मिलता है स्कैन QR कोड टू पे, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप जो है QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से जो है एक QR कोड को जो है अपलोड कर भी पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक QR कोड है जिसको मैं अभी स्कैन करके जो है पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है QR कोड स्कैन हो चुका है। यहाँ पर मैं जो है अभी 10 रुपए की पेमेंट आपको जो है अपने रुपए क्रेडिट कार्ड जिस नीचे आप ऑप्शन देख रहे हो सिलेक्ट हो रखा है उससे करके दिखाने वाला हूँ। पे पे जो है क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी जो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना पिन इंटर करना है। और दोस्तों जैसे ही आप जो है पिन इंटर करेंगे यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है और इसके बाद आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे देता है कि आप जो अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी आपके पास आ जाता है। वीडियो के इस पार्ट में बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इस टाइप की जो पेमेंट करते हो रुपए क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2000 रुपये तक कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते हैं और इसके ऊपर अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो वहाँ पर एज पर रूल कस्टमर को कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसके ऊपर जो भी पेमेंट आप करोगे 2000 के ऊपर उसके ऊपर जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं मर्चेंट को और ये डिपेंड करता है मर्चेंट किस बैंक के साथ अपना टाई अप करके बैठा है, उस बैंक के कितने चार्जेस हैं। उस केस में जो है मर्चेंट को ही चार्जेस देने पड़ते हैं, कस्टमर को कोई भी चार्जेस जो है नहीं देने पड़ते हैं। आई होप वीडियो में दी जानकारी आपके काम आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी के साथ मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना और वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई, चैनल पर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास टोटल कितने क्रेडिट कार्ड हैं नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ पे बेस्ट लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड जो है ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलने वाली है। इस वीडियो को भी कंप्लीट जरूर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन लिस्ट इस वीडियो में हमने जो आपके साथ शेयर की है।